अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की है, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथलैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से।